हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम जो हैं आज सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। तो सेंटेंस जिसे कि हिंदी में वाक्य कहते हैं, तो इसमें जो आता है हमारा स्टूडेंट्स पहले कि वर्ड क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है 26 लेटर्स होते हैं, और ईच लेटर जो है वो रिटन और प्रिंटेड सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ साउंड। हर एक जो लेटर है वो प्रिंटेड होता है, वो प्रिंटेड सिंबल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक साउंड, ठीक है। और दीज लेटर्स वेन प्लेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और जो ये लेटर्स होते हैं जब ये पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है प्लेस किए जाते हैं तो प्रोड्यूस अ साउंड और अ ग्रुप ऑफ साउंड्स दैट एक्सप्रेसेस अ मीनिंग एंड फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। तो जब ये लेटर जो होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो एक साउंड के रूप में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये ग्रुप ऑफ साउंड्स या फिर एक ग्रुप ऑफ साउंड्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं तो ये एक्सप्रेस करते हैं एक मीनिंग, ठीक है, और फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। दिस इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ए वर्ड। और ये जो इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, भाषा की इंडिपेंडेंट यूनिट जो है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड, शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे, आपको ये दिख रहे हैं, ये लुक एट दीज लेटर्स सी एम ई एल ए एंड एस आर ई डी आई पी। तो यहाँ पे देखिए, डू दीज ग्रुप्स ऑफ लेटर्स कन्वे एनी सेंस, क्या ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं कोई सेंस कन्वे कर रहे हैं? नो दे डोंट नॉट। तो ये जो है कोई भी सेंस नहीं बना रहे हैं। फिर जैसे कि आता है हमारा, देखिए अब हमने उसी से ही सी ए एम ई एस एस पी आई डी ई आर वर्ड वही है, रीअरेंज कर लिया हमने तो इनसे मीनिंगफुल वर्ड बन गया कि ये कोई कन्वे कर रहे हैं सेंस, यस कर रहे हैं। तो आगे फिर आता है जैसे जिससे कोई मीनिंगफुल अर्थ आता है, कन्वे करते हैं, कोई सेंस कन्वे करते हैं तो वो हमारे वर्ड होते हैं। फिर आता है हमारा स्टूडेंट्स सेंटेंस। देखिए यहाँ पे ये आपको वर्ड्स दिए हैं, गिव, बीज, हनी, अस, दे आर जस्ट वर्ड्स। ये सिर्फ क्या है, वर्ड्स हैं। एज अ ग्रुप दे फेल टू मेक अ कम्प्लीट सेंस। अगर हम इनको ऐसे ग्रुप में गिव, बीज, हनी, अस ऐसे करके हम प्रनाउन करते हैं तो इनसे कोई कम्प्लीट सेंस बनता है? नहीं बनता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके रीअरेंज करके बीज गिव अस हनी तो ये हमारा क्या बन गया, मीनिंगफुल सेंस बन गया। तो सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वर्ड्स मस्ट बी पुट इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कम्प्लीट सेंस। जो भी हमारे वर्ड्स होंगे वो प्रॉपर ऑर्डर में लगाने हैं कम्प्लीट सेंस बनाने के लिए, और जो हमारा फर्स्ट वर्ड होगा सेंटेंस का वो हमेशा जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा वो एंड होगा उसका जो है वो फुल स्टॉप से होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सेंटेंस जो है वो क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और स्टूडेंट्स सेंटेंस जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, तो ही इज़ अ गुड बॉय, ये एक हमारा क्या मीनिंगफुल सेंस बन रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन हम अगर बोलते हैं कि वह है लड़का तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं है, ये क्या है, शब्द हैं। लेकिन जब शब्दों के समूह जो ऐसा शब्दों का समूह जो कि एक अर्थपूर्ण वाक्य का बोध कर शब्दों का अर्थपूर्ण बोध करवाता है तो वो हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।